यहाँ पंचायत का मतलब यहाँ गांव है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक वर्ग, हर एक जाति और हर एक मजहब से जुड़े हुए जो बूढ़े हैं, जो नौजवान हैं, जो नवयुवक हैं, वो सभी लोग आज एक साथ खड़ा हुए हैं। तो सोन तटी इलाके में बसा है गांव, यहाँ के पहले बुजुर्गों का नाम है भैया आपका? नित्यानंद सिंह। एक बात बताइए, क्या लगता है आपको कि किसको सपोर्ट करना चाहिए और किसको आप सपोर्ट करने जा रहे हैं? पवन सिंह को। पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे? तो लोग तो काफी विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि जो पवन सिंह है उनके साथ युवा है और केवल सेल्फी और फोटो खींचने के लिए है। तो आप तो उम्रदार हैं, कितना उम्र हो गया आपका? 55-60 है। हाँ, तो फिर आप सपोर्ट कीजिएगा पवन सिंह? करना है एकदम, तो एकदम करना है। चलिए भाई, इनकी उम्र है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करना लगता है कि पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित चंद सिंह। एक बात बताइए जी कि किसको सपोर्ट करने जा रहे कार्यक्रम में? अरे पवन सिंह, आप सपोर्ट का करके जिता दे नहीं जा। एकदम आप जिता दी एक, कितना वोट से लीड करा रहे हैं पवन सिंह? 2 लाख। 2 लाख से एकदम गारंटी, लीड हो जाएंगे गारंटी। टक्कर में कौन रहेगा पवन सिंह? राजाराम। राजाराम सिंह के साथ? हाँ। और निकलेगा कौन? पवन सिंह। उम्र कितना हो गया होगा आपका? 55। विपक्ष तो कह रहा है कि उनके साथ खाली फोटो खींचने वाला लड़का है। हाँ, फोटो खींचे वाला है। अच्छा, तो फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने फोटो खींचे वाला है। कौन जाना बढ़िया बन ओकरा से? अच्छा, मैंने के बढ़िया बा? क्यों उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम, सब लोग और 13 प्रत्याशी हैं। मैंने बढ़िया ये को कलम में नहीं खोल, बढ़िया में कोई है ये नहीं है। तो उन्होंने तो कहा कि उनके लिए मोदी जी आए हैं, आपकी बार मौका दीजिए, डालमिया चालू हो। अरे मोदी जी डालमिया तो भौंस गई, डालमिया में तो लालू यादव वो कोयले रहन। अच्छा। काम उहे कोयले रहन, उसके बाद नहीं हुआ, फिर डालमिया के नाम लेवे वाला के बा। तो आपके बार खुलेआम सपोर्टर हैं आप? हाँ हाँ, चलिए खुलकर सपोर्ट करेंगे, मझियाओं की जनता है। क्या नाम है चाचा आपका? विजय सिंह मेरा नाम हुआ। तो किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं काराकाट में? 13 प्रत्याशी हैं आपकी बार। देखिए, पहले सबसे तो यहाँ का मूल समस्या है पाली पुल। जी, विगत जो 15 वर्ष से सांसद रहे, चाहे कोई पार्टी के हो, आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया, चाहे डेयरी के विधायक हो, चाहे यहाँ के सांसद हो, और हम लोग को मूल समस्या वही है पाली पुल। तो अभी जब चुनावी हैं तो चुनाव में देख रहे हैं कि 3 लोग जो हैं निर्दलीय हैं, उसके बाद लगभग 10 लोग जो पार्टी से हैं, पार्टी छोटी छोटी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, गठबंधन है। तो हमको जरा यह बता दीजिए कि पूरी की पूरी गठबंधन वाले लोग, अभी तक तो कितना लोगों का मैनिफेस्टो है, किसने पाली पुल के लिए बोला कि हमें बनवा दूंगा? किसी नहीं बोला, एक पवन सिंह अभी अपना मैनिफेस्टो में दिए हैं, अगर मैं जीतूंगा तो पाली पुल का पहला काम कराऊंगा। क्या लगता है पवन सिंह के साथ आप खड़े नजर आएंगे? काराकाट में यहाँ के नौजवानों ने अगड़ाई ले लिया है। अच्छा, ओवर बार 1 तारीख को वोट में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब परिवर्तन होगा काराकाट में, और परिवर्तन सियोर होगा, पवन सिंह विजयी होंगे। आप मोदी जी को नहीं देख रहे हैं क्या? विकास को भी देख रहे हैं, लेकिन पर्सनल काराकाट में परिवर्तन जरूरी है। काराकाट में परिवर्तन मांगते हैं? हाँ, एकदम। चलिए, कहीं ना कहीं काराकाट में परिवर्तन मांगते हैं। जो पूर्व में सांसद हैं चाचा, कितना विकास कर पाए आपके काराकाट का? अभी हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया? महाबली सिंह थे, महाबली जी तो कुछ किए हैं, लेकिन उपेंद्र जी कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया, मंत्री थे वो, तो अभी भी बोल रहे हैं कि हम केंद्र में जी, हमको जिताइए, हम मंत्री बनेंगे। वो मंत्री बन चुके थे, कहता एक बार बन नहीं गए हैं, और अभी मझियाओं में झांकने नहीं आए हैं। एक बार मौका दे दीजिए। अब फिर दोबारा मौका कौन चीके? अब दोबारा मौका सिर्फ पवन जी के दिया जाएगा। अच्छा, वो जो करेंगे वही करेंगे। चलिए, जो करेंगे वही करेंगे। अब यहाँ के बुजुर्गों से बात हो चुका है, युवा हैं लोग हैं। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित, क्या लगता है किसको युवा है, किसको युवा वोटर आपकी बार पसंद कर रहा है? पवन सिंह को आपकी बार सपोर्ट किया जा रहा है। युवा है वो, उनमें मतलब यहाँ पे आपको सेल्फी खींचने वाला कह रहा है? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, हम लोग सेल्फी वेल्फी लेने वाले नहीं है। गोपनीय अपने मतदान को रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग पवन सिंह का सपोर्ट कर। क्यों पवन सिंह का सपोर्ट कर? क्योंकि वही एक हैं जो विकास कर सकते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए। जी बिल्कुल नहीं, जो ये बात बोल रहे हैं सरासर गलत बोल रहे हैं। गाँव से तो मैसेज गया है कि उनके प्रति नाराजगी है मझियाओं के लोगों। ये विपक्षी लोगों ने कुछ गलत अफवाह फैलाया है, इसी के लिए हम लोगों ने आपको बुलाया है। ये सब बिल्कुल गलत बात है। हमारे पूरे पंचायत में पवन सिंह लीड कर रहे हैं और लीड करेंगे। ओनली फॉर पवन सिंह, झमकावला से ना हुई, काहे ना हुई भैया? पवन सिंह का कोई आगे नहीं है? कोई नहीं है भैया। अच्छा, कोई नहीं है भैया, उनके टक्कर में कोई नहीं है। क्यों टक्कर में? कलाकार के नाते या विकास के नाते? विकास के नाम है भैया। तो लगता है विश्वास है जी पूरा? लोग तो बोल रहे थे वो जीत के जाएंगे तो मुंबई भाग जाएंगे। ना ना, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं, ना ना, ऐसा बात नहीं। आप सपोर्ट कर रहे हैं? फुल सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। 2 लाख प्लस, मतलब आप जान गए 2 लाख? हाँ, 2 लाख प्लस। कहीं पता कर लीजिए तो पता करने वाला चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी मतें हैं और लोग लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? ओनली फॉर पवन सिंह। क्यों पवन सिंह? क्योंकि हम लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे। तो विकास तो बोले हैं ना आपके कुशवाहा जी के, मोदी जी कहकर गए हैं। कुशवाहा जी सिर्फ बोले हैं, आज तक उन्होंने क्या विकास किया आप खुद सामने देख सकते हैं। और पवन सिंह एक ऐसा नेता है जो अभी बोल नहीं रहे हैं बल्कि लिखित देने का क्षमता रखते हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको उठाना है और हम लोग पवन सिंह को विजयी बनाएंगे यहाँ से, फुल बहुमत से। हाँ जी, पूरे मझिया पंचायत से बिल्कुल। ओनली फॉर पवन सिंह, ओनली फॉर जी। चलिए, कहीं ना कहीं पावर स्टार के चाहने वाले लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे?
बहुत से नेता आए हैं, बताइए आपके नज़र में ऐसा कोई नेता, आप लोग बहुत जगह घूमते होंगे, आपने कहीं सुना है कि एक पहला प्रत्याशी है जो बोल रहा है हम लिखित देने के लिए तैयार है, अगर हम विकास नहीं करेंगे तो एक माँ बाप का औलाद नहीं, इससे बड़ा क्या नेता भी तो यह कह रहा है भैया कि हमको जिताइए हम मंत्री बन के आपका विकास कर देंगे। ये तो बिल्कुल, वो तो हम मौका दिया गया था, 5 साल में मौका दिया था उपेंद्र कुशवाहा को, कहाँ विकास किए हैं, पाली पुल टूटा हुआ है, मरीज आदमी जा रहा है, उसका जाने में ही तबियत खराब हो जा रहा है, उसका स्थिति ऐसा, आज प्रेग्नेंट पाली पुल सबसे बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है, डालमिया मुद्दा है, पाली पुल मुद्दा है, तो क्या लगता है किस पर भरोसा है कि इसके आने के बाद एकदम पवन जी करेंगे, पवन जी राजा आदमी है, आप सभी लोग जानते हैं कि पवन जी को क्या चीज़ का कमी है, पैसा चाहिए उनको, नाम चाहिए, उनके पास सब चीज़ है ऑलरेडी।